नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजरें डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। कोरोना अपडेट, देश में 58,000 के करीब नए मामले, मौत का आंकड़ा 50,000 के पार। लॉकडाउन ने भोपाल की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भूखमरी के कगार पर ला दिया। संघ का नया ठिकाना मथुरा और काशी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 17 अगस्त सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 57,981 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा देश भर में कोरोना से 941 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 57,584 मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 26,47,663 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट 72.51% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से भी अभी तक 19,19,842 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक 50,921 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या 6,76,900 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 30,41,400 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 7,31,697 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। भोपाल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वजह है कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन और उसकी वजह से शादी, पार्टी, जन्मदिवस जैसे कार्यक्रमों का ना होना। न्यूज क्लिक से बातचीत के दौरान भोपाल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मंगलवारा की अध्यक्ष शिल्पा नायक कहती हैं, हमारी रोजी रोटी या धंधा तो लोगों के ऊपर ही निर्भर है। दुकानों से चंदा लेना, शादी, पार्टी, जन्मदिन जैसे कार्यक्रमों में गाना बजाना ही हमारे भरण पोषण का एकमात्र जरिया था, मगर जब से लॉकडाउन लागू हुआ है यह कार्यक्रम अब न के बराबर हो गए हैं। ऐसे में हमारी कमाई जो 40,000 से 50,000 के बीच महीने हुआ करती थी, आज वह 1,000 और 500 होना भी मुश्किल है। भोपाल में करीब 2 घरानों के 500 से 600 ट्रांसजेंडर हैं। यह दोनों घराने नवाबों के वक्त से चले आ रहे हैं। इन घरानों के अपने अपने सरदार हैं, जो नियम और कायदों के साथ अपने चेलों के साथ रहते हैं। भोपाल के मंगलवारा और बुधवारा में आज भी इनकी हवेली है, जो भोपाल के नवाबों की देन है। लॉकडाउन 3 के दौरान जब भोपाल के कई इलाकों में लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा था, तब इस कम्युनिटी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर सूखा राशन बांटा था, मगर आज यह आलम है कि वह खुद राशन के मोहताज हो गए हैं। अभी लॉकडाउन थोड़ा खुल गया था, थोड़ा चल गया था, अब लॉकडाउन बंद है, तो चटनी रोटी खा रहे हैं हम लोग अपने घर में। ना कोई कांग्रेस पार्टी, ना कोई जनता पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, कोई पार्टी भी हमारी मदद नहीं कर रही है। तो सरकार से कोई सहायता मिली इस लॉकडाउन के दौरान? नहीं नहीं, बिल्कुल ना पहले मिली ना अभी मिली। कोई राशन कार्ड वार्ड, खाना पीना कुछ भी? राशन कार्ड में भी पूरा सामान नहीं दे रहे। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि हमारी तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई माने नौकरी नहीं है हमारी सरकारी, हम तो रोज़ लाने रोज़ खाने वाले भैया, इसलिए काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास जुड़ा हुआ था वो सब खत्म हो गया है। अब घर में मैं भी हूँ, मेरे चेले नाती भी बीमारी आ रही भी सब लगा हुआ है, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना। कितने हैं परिवार में लोग? मेरे हैं 17 लोग। कैसे खा पी रहे हैं सारे लोग? अभी तो यही है कि एक टाइम खा रहे हैं, भूखे भी रह रहे हैं, चटनी रोटी खा रहे हैं, मालिक अच्छा रखे। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो देने के लिए आ भी जाते, नहीं तो कोई नहीं, वैसे कोई मदद के लिए अभी तक तो खेरा आया नहीं, पर कभी कभी ये होता है कि कोई ना कोई दे देता है। जैसे बहुत समाजसेवी संस्थाएँ खाना बांट रही हैं भोपाल में भी, तो आप लोग तक कोई नहीं पहुँचा? नहीं नहीं, समाजसेवी संस्थाओं ने काफ़ी लोगों की मदद करी, सुनने में आया नर की करी, नारी की करी, पर किन्नरों के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं है। अब बीच में लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने पहले भी शायद खाना पीना बांटा था गरीबों के बीच, तो वो कैसे किया था आप लोगों ने? तो हम लोगों ने सोचा था भैया कि लॉकडाउन कुछ ही दिनों का है, 15 दिन का, इतना मालिक की दया था हमारे पास था, तो हमने बीच कुछ जो अति गरीब थे जिनके पास तो बिल्कुल ही खाने को नहीं था, हमने उनकी मदद करी थी, क्योंकि हमारे दिल को सुकून मिला, क्योंकि उनका कौन है, आप लोग हमारे, हम लोग आपकी तो हैं, इसलिए हमने उनकी मदद। समाज में आपके कितने लोग हैं इस तरफ? मंगलवार में 250 किन्नर है। सब एक ही जगह खाते पीते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग इलाके के अलग अलग अपने मुखिया हैं। तो फिर कैसे सब ऐसे ही मांग चांग के, या जो बचा हुआ है वो जो पहले से सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं है। तो शादी वादियों में जाना बंद हो गया? हाँ, अभी बंद है, और साल साल ज़्यादा शादी हुई नहीं लॉकडाउन के पीछे, इसलिए लोग वही काम है,
कोई की बच्चा होता है, कोई की शादी होती है, तो उनके घर पे जाते हैं हम लोग, यही हमारी रोजी रोटी है। होली दिवाली के फेस्टिवल आते हैं तो चंदा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी ये कोरोना की और लॉकडाउन की वजह से तो बहुत हम लोगों का आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। लॉकडाउन से पहले क्या कैसे कमाते खाते थे? पहले जैसे रोज कमाते खाते थे, कोई कमाते खाते थे हम लोग पहले। कितना कमा लेते थे महीने? 50-60 हज़ार। अब वो नहीं हो पा रहा? अब नहीं हो पा रहा, अब तो 10-10-20 रुपये को मोहताज हम लोग। जैसा बता रहे हैं कि अभी हालत आप लोग की बहुत अच्छी नहीं है, किसी की मदद भी नहीं आई, और अगर लॉकडाउन बढ़ता है आने वाले वक्त में तो फिर कैसे गुजारा होगा? क्या लग रहा है, डर लग रहा है, क्या लग रहा है भैया? थोड़ा मन में तो डर लग ही रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। हमारा बिजली का बिल 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, है हमारे घर में 13,000-5,000 ऐसे बिल दे रहे हैं। हमारे पास खाने को खुद नहीं है, बिजली कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जाके फिर हम क्या करेंगे? लॉकडाउन में बाहर निकलेंगे, घर घर भीख मांगेंगे, दो दो रोटी मांग के खाएंगे, फिर खाना तो पड़ेगा। पेट दिया तो इंसान ने तो दाना भी दिया होगा कहीं ना कहीं। तो क्या चाहती हैं? हम तो ये चाहते हैं, जब सरकार सबकी मदद कर रही है, गरीबों की कर रही है, औरतों की कर रही है, आदमी की कर रही है, गरीब किन्नरों को भी ध्यान में रख लें, है ना? जैसा आप उनको मदद कर रही हो, आप बोलते हैं अकाउंट में पैसे डाल रहे, तो किन्नरों को भी दे दें कुछ। गुजरियों का हम लोग का त्यौहार होता है, उसको ना हम लोग मनाते हैं बहुत धूम से, लेकिन अभी इसके बाद ऐसा नहीं मनाया जाएगा। जो हम लोग की गुजरिया होती है, 2 लोग 10 लोग मिल के जाएंगे, दूरी बना के और उनको ठंडी करके आ जाएंगे। ये भोपाल में ही मनाया जाता है? जी, भोपाल में मनाया, आसपास के और भी क्षेत्र है उधर भी मनाया जाता है, पर भोपाल की जो है वही मेन है। तो कितनी भीड़ जमा होती है और क्या करते हैं उसमें? वैसे तो नॉर्मल स्थिति में हज़ारों लोग आते हैं, हर स्टेट से, हर स्टेट के हर शहर से दो दो एक एक लोग आते हैं, तो हज़ारों में भीड़ हो जाती है। राम भूमि पूजन और मंदिर की घोषणा के बाद मथुरा और काशी में भी मंदिर बनाने की मांग दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर से तेजी से उठने लगी है। इतिहास के पन्ने के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नीलांजन इन मंदिरों के आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर बात कर रहे हैं। लेट 1980s से जब से राम जन्म भूमि आंदोलन ने जोर पकड़ा था, तब से हर ओकेजन में एक नारा जरूर सुनाई देता था, ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राम मंदिर के कंप्लीशन के पहले मथुरा और काशी के मुद्दों को राष्ट्रीय लेवल पे उठाया जाएगा? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मस्थान के लिबरेशन की गूंज देश भर में सुनाई दी जाएगी? क्या इन इश्यूज को पॉपुलराइज करके संघ परिवार जनता के बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज करवाने में सफल होगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें कई इश्यूज को एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन उसके पहले कुछ रीसेंट इवेंट्स पर नजर डालते। जुलाई के लास्ट वीक में जब अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारी जोर शोर से हो रही थी, मथुरा के कुछ धार्मिक और पॉलिटिकली माइंडेड लोगों ने एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था। 23 जुलाई को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ट्रस्ट के फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट हुआ था। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने बताया आंदोलन लॉन्च करने की तैयारी फरवरी में ही शुरू हो गई थी, परंतु COVID-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से पूरे प्लान को कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ा। इससे पहले नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या जजमेंट के आने के ठीक कुछ दिन बाद बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हरनाथ सिंह ने मीडिया के लोगों को कहा था, राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि का तो नंबर आना ही चाहिए। और अभी भूमि पूजन के कुछ दिनों के बाद विनय कटियार, बजरंग दल के फाउंडर प्रेसिडेंट और बीजेपी के एक्स एमपी, उन्होंने कहा मथुरा काशी के मुद्दे उठाने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन के कुछ सप्ताह पहले वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिबरेशन के लिए अखिल भारतीय
संत समिति की बैठक हुई थी। इस मीटिंग के बाद श्री काशी ज्ञानव्यापी मुक्ति यज्ञ समिति के गठन का ऐलान हुआ था। बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी इसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। अपॉइंटमेंट के बाद स्वामी ने स्टेटमेंट जारी किया था, लिबरेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ द काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ हिंदू रेनेसां। आई होप द मुस्लिम कम्युनिटी विल कोऑपरेट विद अस हिंदूज ऑन दिस एंड हेल्प अस रेस्टोर द टेम्पल। मुस्लिम कोऑपरेशन का मतलब है मुसलमान ज्ञानवापी मस्जिद को वहां से हटाकर ले जाने में एग्री कर लें। इसी तरह से मथुरा में मुस्लिम कोलैबोरेशन का मतलब है शाही ईदगाह को कटरा इलाके से हटाया जाए। मथुरा और काशी के आंदोलन को अभी फॉर्मली संघ परिवार के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, परंतु जब हम राम मंदिर का इतिहास देखते हैं तो जब 1983 में राम मंदिर रेस्टोरेशन की आवाज सबसे पहले उठाई गई थी, तभी भी संघ परिवार के किसी भी एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं था। वो सारे एसोसिएशंस धीरे धीरे करके सामने आने लगे थे। कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिबरेशन की मांग अभी फॉर्मली भले ही ना की जाए, लेकिन संघ परिवार मुझे यकीन है अल्टीमेटली इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट जरूर करेगी। गौरतलब है हिंदू महासभा ने अयोध्या मथुरा और काशी के मंदिरों की लिबरेशन की बात सबसे पहले लेट 1940s में आजादी के ठीक कुछ समय के बाद की थी। आरएसएस ने भी 1950s में कई बार इस मुद्दे पर तीनों टेंपल्स या श्राइन्स के बारे में रेजोल्यूशंस पास किए थे। इसके बावजूद, ये तमाम प्लान्स के बावजूद, इतना आसान नहीं है इन दो डिमांड्स, मथुरा और काशी के डिमांड को अपने लॉजिकल कल्मिनेशन तक ले जाने के लिए। दरअसल नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने 18 सितंबर 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट पार्लियामेंट में इनैक्ट करवाया था। एक्ट के लॉन्ग टाइटल में कानून लाने का क्लियर मोटिवेशन और पर्पस निहित था। An act to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th of August 1947. Spasht hai, the law prohibits conversion of any place of worship. Secondly, the law seeks to impose a positive obligation on the government to maintain the religious character of every place of worship as it existed on Independence Day in 1947, when India was finally free of colonial rule. Places of Worship Act mein bas ek exception tha, Ayodhya ka dispute. Iska karan tha Babri Masjid Ram Janam Bhoomi ka jo lamba लीगल केस चला आ रहा था। इस एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी भी संप्रदाय के धार्मिक स्थल को दूसरे के धार्मिक स्थल में कन्वर्जन पर बार है, यानी मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता या फिर मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता। इन श्राइन्स को केंद्र में रखकर कोई केस या अपील भी कोर्ट में नहीं एडमिट हो सकती है। नवंबर 2019 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एम्बोडीज द सेक्युलर वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स रेट्रोग्रेशन। आगे पांचों जजेस ने लिखा था, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इम्पोजेस अ नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स एनफोर्सिंग आवर कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉ इज हेंस अ लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सेक्युलर फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इस कानून की मांग सिविल सोसाइटी और कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने लेट 1980s में की थी, तब विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने इसका पुरजोर अपोजिट किया था। पिछले 29 साल से इस एक्ट को कई बार चैलेंज किया गया है। 12 जून 2020 को, यानी कि 2 महीने ही पहले, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज फाइल किया गया है। इस बार PIL विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने फाइल की है। मांग है कानून को अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड इट्स लीगल पावर और अथॉरिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। लाइक अयोध्या, मथुरा, काशी के इश्यूज भी रॉन्गफुल या कम्युनल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री पर आधारित हैं। मथुरा और वाराणसी के मंदिरों का डेमोलिशन औरंगजेब के पीरियड में हुआ था। कंटेम्पररी पॉलिटिकल टेरेन में औरंगजेब को एक डेस्पोटिक विलेन के तौर पर पेश किया जाता है। कहा जाता है ही वॉज ड्रिवन बाय वेंडेटा अगेंस्ट द एंटायर हिंदू कम्युनिटी। ये पोस्टुलेशन कितना सही है और कितना गलत? औरंगजेब के किंगडम की टेरिटरी विशाल थी, अनगिनत हिंदू और जैन मंदिर उसमें लोकेटेड थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक देयर वर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दीज हिंदू एंड जैन टेंपल्स। इनमें से कितने मंदिरों को डिमोलिश या प्लंडर किया गया? फुटपाथ हिस्ट्री, यानी कि जो पैम्फलेट रोड साइड स्टॉल्स में बेचे जाते हैं, जिनके कंटेंट को आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ट्यूटोरियल के तौर पर सर्कुलेट होता है, फॉरवर्ड किया जाता है हर दिन, उसके हिसाब से तो शायद कोई मंदिर बचा ही नहीं था। अगर इनकी बात हम छोड़ दें और सीरियस स्कॉलरशिप के बेसिस पर एस्टिमेट बनाएं, तो अकॉर्डिंग टू ऑड्रे ट्रुस्केस बुक औरंगजेब द मैन एंड द मिथ, परहैप्स अ फ्यू डजन इन टोटल। कुछ ही डजन का अनुमान देने के बाद इतिहासकार ऑड्रे ट्रुस्के ने फिर क्लैरिफाई किया, बट वी रन इनटू अ डार्क कर्टन ड्रॉन अक्रॉस एन अननोन पास्ट। औरंगजेब के पहले से ही, मुगल डायनेस्टी के भी पहले से, 8th century ऑनवर्ड, जहां जहां इंडो मुस्लिम रूलर्स की हुकूमत चलती थी, हिंदुओं को धिम्मी माना जाता था। इसका मतलब प्रोटेक्टेड क्लास। यह स्टेटस हिंदुओं को कई राइट्स और स्टेट प्रोटेक्शन गारंटी करता था। मंदिरों को भी स्टेट प्रोटेक्शन था। औरंगजेब के केस में इस स्टेट गुडविल को बादशाह रिवोक कर सकते थे, प्रोवाइडेड द टेंपल एंड इट्स एसोसिएट्स एक्टेड अगेंस्ट इंपीरियल इंटरेस्ट्स। औरंगजेब पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स से नहीं, बल्कि स्टेट इंटरेस्ट, कमिटमेंट और ड्यूटी से प्रोपेल्ड थे। एक तरफ उनके नोशन ऑफ जस्टिस में फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनिवार्य था, दूसरे तरफ किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर या इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एक्शन लेने में हेजिटेट नहीं करते थे। अगर उन्होंने कोई भी सिडिशियस एक्ट किया हो या फिर कोई इमोरल एक्ट,
फरवरी 1659 में औरंगजेब ने बनारस के हिंदुओं को पंडितों से बचाने के लिए, जब वे उनको हैरस और उनसे ब्राइबरी मांग रहे थे या फिर चीट कर रहे थे, तब उन्होंने इंटरवीन किया था। उन्होंने इस पर एक फरमान भी जारी किया था। 1669 और 1670 में औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर और केशव देव मंदिर के डेमोलिशन का ऑर्डर दिया। 1669 और 1670 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में केशव देव मंदिर के डेमोलिशन का ऑर्डर दिया। कारण रिलीजियस हेजेमनी एस्टैब्लिश करना नहीं था, बल्कि टू पनिश पॉलिटिकल मिसस्टेप्स बाय टेंपल एसोसिएट्स एंड एंश्योर फ्यूचर सबमिशन टू द मुगल स्टेट। ज्ञानवापी मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन औरंगजेब के पीरियड में हुआ। मुगल रिकॉर्ड्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है किसने इसको बनवाने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने लेकिन मथुरा के ईदगाह को ऑफिशियली स्पॉन्सर किया था। सर्टेनली औरंगजेब के हिसाब से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कुड बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड डेमोलिशन। आयरोनिकली इस प्री मॉडर्न ब्लरिंग ऑफ लाइंस बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का संघ परिवार की राजनीति का केंद्र बिंदु है। बनारस का मंदिर अकबर के टेन्योर में बना था, राजा मानसिंह ने बनवाया था। माना जाता है उनके ग्रेट ग्रैंडसन जयसिंह ने शिवाजी को मुगलों के खिलाफ मदद की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर का डिस्ट्रक्शन इस एक्शन का रेट्रीब्यूशन था। कुछ कुछ यही बात मथुरा के केशवदेव मंदिर की थी। ऊपर से दाराशिको इस मंदिर के पेट्रन थे। इतिहास की घड़ी को जितना चाहें उतना पीछे हम ले जा सकते हैं, लेकिन क्या हम यही करते रहेंगे? शुड वी नॉट प्रायोरिटाइज हाउ टू फेस न्यू चैलेंजेस एंड क्राइसिस इन फ्रंट ऑफ द नेशन नाउ? अनफॉर्चुनेटली मथुरा काशी के डेवलपमेंट्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।